उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। तो तू कायनात को नहीं जानता तो पूछे इसे क्या कर रहा था मेरे घर के नीचे। कायनात जैसा वो ऑफिस में काम करती है। हाँ, काम करती है ऑफिस में। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ एक शीशा ही तो टूटा है। क्या हो गया? हाँ हाँ बेटा वो, लेकिन ये, लेकिन क्या? हाँ, लेकिन क्या? दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। बैठ सकती हूँ मैं? आपसे माफी मांगने आई हूं। जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मुझे अंदाजा है कि इस सब की वजह से आपके घर में काफी मुश्किल खड़ी हुई होगी, पर मैं आपसे वादा करती हूं कि आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आपने मेरी इतनी मदद की। और देखें, मुझे नहीं पता मैंने आपके लिए कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन मैं इस किस्म की चीज़ों का आदि नहीं हूँ। आपके और अहमद के दरमियान जो भी चल रहा है ना, मेरा इससे लेना देना नहीं। इस वक्त अगर वो आपका भाई ना होता तो जेल में बैठा होता। मेरे घर में सब बहुत परेशान हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप जैसे इंसान को तकलीफ पहुँची। आपने जो कुछ मेरी बेटी के लिए मेरे लिए किया है, कोई सगा भी नहीं कर सकता। मैं अपने चाचा की तोहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत बदतमीजी की थी उसने उनके साथ। काश मैं आपके घर आकर आपके चाचा से माफी मांग सकती। दरअसल मेरा भाई चाहता है कि जल्द से जल्द अहमद का तस्फिया हो जाए। और आपकी बेटी के बारे में भी अभी तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और अगर अब आपको अहमद से कोई खतरा है भी तो आपका भाई आ गया, आप उसे बताएं। आई एम श्योर यू सॉर्ट इट आउट। उसने अहमद को मेरी बेटी के बारे में बता दिया। हाँ, जल्दी डिवोर्स हो जाए। ठीक, आपको वैसे भी वही करना चाहिए जो आपकी फैमिली चाहती है आपके लिए सही। थैंक यू। एक बात बताइए मुझे, किस जबान में आपसे पूछूं मैं कि आपने कोमल के साथ क्या किया है? और क्या किया है ऐसा कि जाके मैके बैठ गई है वो और आने का नाम नहीं ले रही? अहमद देखो, मुझसे बदतमीजी मत करो। आप ना मुझे ये बेवक्त तमीज मत सिखाइए अभी, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है क्या किया है आप। क्या किया मैंने? अरे आप तो उसे नकली कंगन दे रही है पीतल के, ये कह के कि सोने के है। मैंने? और देखिए, अच्छी तरह जानता हूँ मैं, ये ना आप ही ने किया है। खुद से नहीं बना रही हूँ ये बातें, क्योंकि इतनी अकल नहीं है उसमें। आप मुझे सीधे ना क्यों नहीं बता देती क्या करूं मैं? वापस आ जाओ। बल्कि आ ही जाता हूं। फिर वहां बैठ के ना बिना नौकरी के बिना पैसों के मिलके सब साजिशें करेंगे, बड़ा मजा आएगा। फिर आपको मेरे ऐसे वक्त में मेरा साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए मुझे। लेकिन आपको ना मेरी परेशानियां समझ में आती है ना मेरी फिक्र समझ में आती है। मैं थक गया हूं मैं। यार नौकरी मिलने का नाम नहीं ले रही, ऊपर से एक नई मुसीबत आ गई। मेरा तो दिल कर रहा है खुदकुशी कर लूं मैं, ये पुरुष खलीफा से कूद के जान दे दूंगा। क्या हो गया बेटा, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, बुरी बात है। ओ कायनात, क्या बेटी पैदा हुई और वो लोग मुझे दम क्या लगा रहे हैं? दगारत कर रहे उन्हें। अरे क्यों करेगा, धनी किसकी बच्ची है? मेरी बच्ची है। सुनिए आप, मेरी ही बच्ची है। कोमल कुछ नहीं जानती इस बारे में, और इनक भी पड़ गई ना उसको तो बस। तो इसका मतलब है कि कायनात से तलाक नहीं हुई? जी नहीं हुई। और ऊपर से उसका भाई बार बार फोन कर रहा है, कह रहा है यहाँ आओ, आकर फैसला करो।
नहीं क्या तस्वीर करो, वकील करो और खत्म करो इस मामले को। अरे सर से उतारो। कौन मसला खड़ा हो गया हमारे सर पे अब? देखिए वो सब मैं देख लूंगा, आप बस इस बात को ध्यान में रखिए कि कोमल को इस सब की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। बेटा कब तक छुपाओगे? जिंदगी भर छुपाऊंगा, आपको क्या करना है? हेलो अहमद, हेलो हेलो दिया। अरे गलतियां खुद कर रहा है और चीख रहा मुझ पे है। वो महारानी आने वाली नहीं है और भर भर के उसे पैसे भेज रहा है। मुसीबत के पहाड़ जो है ना वो मेरे ही सर पे तोड़ेगा सारे। तो अम्मी आपको उन्हें कहना चाहिए था ना, भाभी को जाकर ले आते हैं। अरे नहीं रहने दो भाई, महारानी को ना सुबह शाम एयर कंडीशनिंग की जरूरत है, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। वो उसी घर में रहना तो बेहतर है। अभी कोई बच्ची का चक्कर शुरू हो गया। क्या, किसकी बच्ची? पता नहीं कायनात को कोई बच्ची हो गई है। अब बार बार कोई कहानी निकल आती है। मैं तुम्हारे अब्बा को जाके बताती हूँ, खबरदार जो कोमल को कुछ कहा तुमने, समझ रही हो? धनी इस करके तुम मसले नहीं खत्म होते। कहाँ रह गई थी तुम? मेहंदी लगवाने गई थी। सलमान इतनी कंजूस है, सिर्फ एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई है। और एक ही हाथ पे माशाल्लाह क्या मेहंदी लगाई है उन्होंने। तुम्हें पता है तुम्हारा एक हाथ क्यों खाली है? ताकि इसको मैं थाम सकूं। सीरियस हूँ मैं, तुम तो बस यही करते रहना, मैं नहीं जा रही मेहंदी पे। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो, इतनी करीबी दोस्त है तुम्हारी, जाओ। अच्छा फिर छोड़ाओ इस तरह। तो तुम्हें कौन देखेगा? किसी में है इतनी हिम्मत कि मेरे अलावा कोई तुम्हें देखे? बात तो सही है, तो थोड़ी देर मुझे देखो ना, उसके बाद ड्रॉप कर दूंगी। चलो हादी, कैसी रही प्रेजेंटेशंस? It was fine. यकीनन प्राइस पे नेगोशिएट कर रहे होंगे। करनी तो पड़ेगी। बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप उनसे कोई बात ही ना करें, उनको टफ टाइम दें और जो भी कम्युनिकेशन उनको करनी है उनसे कहें कि ईमेल करें हमें। एंड आई एम सॉरी उस दिन के लिए। आपको पता है मेरी अम्मा आपके लिए बहुत दुआ करते हैं, क्या आपको एक अच्छी लड़की मिल जाए। ये काम मेरे घर वाले करना है। सारी रात नहीं सोई है ये, सुबह टैबलेट दिए इसे। ओहो यार तुम तो बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हो। इत्तेफाक से वो आदि के ऑफिस में काम करती है, उसकी कोलीग है और उसके भाई को गलतफहमी हुई है। अच्छा इत्तेफाक था, मैं कैसे मान लूं? उल्लू समझा हुआ है क्या? अच्छा आपको तो बता सकते थे अगर ऐसा ही था तो, मुझ पे तो वैसे ही उन लोगों को एतबार ही नहीं है। देखो अरसला ने बताया कि अहमद ने कायनात की माँ को मारा पीटा था और वो इस डर से शहर छोड़कर चलेगी। अरसला ने इस बात को राज में रखा,
कम से कम कोमल को तो पता होना चाहिए उसका हस्बैंड क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। सुन रही हो कोमल अपने अब्बू की बात? अरसला कह रही है कि अहमद बेचारे ने अपनी बीवी को हरासा किया, उसकी माँ को मारा पीटा और अरसला ने इस राज को राज रखा। मान सकती हो तुम ये झूठ? हजम हो रहा है तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है? अहमद की कुछ खबर होगी तुम्हें? अहमद की खबर मुझे क्यों होगी? उसकी खबर तो अरसला आप ही या हादी को होगी। मैं तो कहीं की नहीं रही, ना यहाँ की ना वहां की। अरे यार किस खानदान में फंस गए हम लोग, कोई भी एतबार के काबिल नहीं रहा। देखो कोमल, हादी ने जो भी उस लड़की के लिए किया ना, वो इखलाकी तौर पर किया। मुझे पता है कि तुम्हें इस बात से रंज हुआ है। देखो जब खानदानों में इत्तेहाद नहीं रहता ना, तो ऐसे ही होगा। पहला दिन था आज काम का, कैसा रहा? ठीक। क्या हुआ, आदि से मुंह मारी हो गई क्या? ये तुम कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हो? इसी जबान में बात करता हूं मैं तो। वो कॉल कर रहा हूं उसे बार बार, मेरा नंबर काट रहा है, शायद ब्लॉक कर दिया है। तुम मिला कर दो, बात करा दो मेरी। जरूरत है। माँ को बहुत पसंद है वो, अच्छा लड़का। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। अगर इतना ही अच्छा लड़का है तो उसे घर जाकर हंगामा करने की जरूरत क्या थी? कम से कम जाने से पहले मुझसे या अम्मा से पूछ लेते। काम दिला दो मुझे भी, मेरी कंपनी में जगह नहीं है। अरे भाई हूं तुम्हारा, सड़ी क्यों रहती हो मुझसे? भाई ऐसे नहीं होते काम। जो गलती मुझसे हुई अगर तुमसे होती तो मैं कोई छोड़ के चली जाती तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करती, तुम्हारा साथ देती। तो आसान काम करती, कौन सा कार्य अजीम करती? मर्द की कोई चादर नहीं होती, उसकी इज्जत उसके घर की औरतों की हया से होती है। जिस घर की बेटी बेहया हो जाए उस घर का मर्द मर्द नहीं रहता, कुत्ता हो जाता है। और मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारी चादर वापस ना आ जाए। मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके निकाह में थी, शादी की थी मैंने उससे, कोई गलत काम नहीं किया। फर्क पड़ता है, मुझे पड़ता है। क्या चाहती हो तुम, खुद को मार दूं या तुम्हें, या उसे जो अंदर पड़ी है? जब से पैदा हुई है उसका बाप उसे देखने तक नहीं आया। की खिदमत हो रही है आजकल? कायनात, सिला या फिर कोई और भी है? कोमल में तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने के मूड में नहीं है। जवाब भूखा तो दो पे। तुम्हें क्या समझती रही हो तुम, क्या निकले? तुम जाके सो जाओ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया धोखा मुझे तुमने? चाची इसको संभालें आप। मैं ही संभालूंगी, तुम फिक्र ना करो, मेरी बेटी है तो मैं ही संभालूंगी। क्या हो गया कोमल, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो ये, अपना तमाशा क्यों बना रही हो सबके सामने? क्यों है अम्मी, क्यों हर एक को हाथी से प्यार हो जाता, क्यों किसी को नजर नहीं आता कि इस इंसान के अंदर तो जहर भर, कोई भी इसे छुएगा ना तो वो नीला पड़ जाएगा। और मैं
सोचें जरा अहमद, क्या सोच रहा होगा हमारे खानदान के बारे में कि हमारे घर के लड़कों का ये कैरेक्टर है। अरसला का कहना है कि दोनों कोलीग हैं। अरसला का तो नाम भी मत दिया करें मेरे सामने, ये सब कुछ हो ही उसकी वजह से रहा है। वही तो है जो हादी को इनकरेज करती है। और तुम क्या मुंह बना के बैठी हुई हो? हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? अहमद तो अच्छा है ना तुम्हारे साथ? कब से यही बात इसे समझा रही हूँ बेवकूफ को। तुम मुझे बताओ तुम्हें किस बात का गुस्सा है? हाँ, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी कर देगा तुम अपने ऊपर ऐसे ही असर ले लोगी। वो कोई नहीं है, हादी है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हादी कुछ भी नहीं है, वो कल एक को छोड़ के 10 शादियां कर लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। He won't even be bothered, then why are you? वैसे भी अहमद तो आईने की तरह साफ है। और अम्मी प्लीज, इन लोगों को इस घर से बेदखल कर दे। जब तक ये यहाँ पे रहेंगे कुछ ना कुछ होता रहेगा। किसको इस घर से बेदखल करने की बात की जा रही है? आपसे किसी ने कोई बात? लेकिन बात तो हमारे बारे में ही हो रही है ना। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग हमें इस घर से बेदखल कर सकते हैं तो ठीक है, नोटिस भेजिए। अच्छा, फिर यू सी जंग होगी। तो ये क्या है? मेरी पीठ पीछे मेरे दुश्मनों से दोस्ती करना ये जंग नहीं है तो क्या है? आप तो बहुत अच्छी वकील है ना, कब किसे किधर करना है यही सिखाए और यही सिखाती है। कोमल, तुम्हें कुछ नहीं पता तो बताए, मुझे बताए जो मैं नहीं जानती। जब वक्त बताने लगता है ना तो किसी और की बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अहमद को छोड़ दो। इससे पहले वो तुम्हें छोड़े, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी होते हुए देख रही हूँ। तुम तो इसलिए होता हुआ देख रही हो ना क्योंकि सब कुछ तुमने और तुम्हारे भाई ने किया। चुप करके निकलो यहाँ से, ठीक है ना? मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र है, मैं जिंदा हूँ उसके लिए अभी। तुम जिंदा अपनी बहन की फिक्र करने के लिए? तुम पहले खुद की तो फिक्र कर लो, इसकी क्या फिक्र करो तुम? और जो तुमने इसकी फिक्र की है अल्लाह माफ करे, ऐसे तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। और एक बात मेरी और कान खोल के सुनना, मेरे साथ ना अपनी जबान को संभाल के बात करना। Do you understand? ये बदतमीजी मेरे साथ ही चलेगी। बदतमीज। तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, तुम्हें नहीं पता अब्बा की हालत कितनी खराब है, उनको अस्पताल लेकर जाना है। क्या हो गया तुम्हें? कोमल, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। कोमल, मैं तुमसे कह रही हूँ। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। बहुत मेहनत करती है कायनात, मेरी वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई है उसे। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ इस बात का? मैंने बड़ी कोशिश की है आदि से बात करने की लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करता, अब तो ब्लॉक कर दिया है मुझे। मैं सोच रहा हूँ घर जाके आदि से माफी मांग लूं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गए? कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाके माफी मांगने की। जरा किचन, देखो कोमल बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें इन बातों से कितना दुख पहुंचा होगा, लेकिन अब तुम अहमद की बीवी हो, सब कुछ भुला के उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और आदि की तरफ से
अपना दिल साफ करने की कोशिश कर। साहब आपसे कोई मिलना आया, आदि भाई को बुला रहा है। आदि भाई घर पे नहीं है, आपको बुला रहा है। कौन आ गया मिलने के? तुम चलो, मैं आता हूं। बेटा जरा मैं देखूं कि कौन आया। तुम यहां अंदर कैसे आए? आप मुझे 10 जूते मार लें। आप तो दीनदार लोग हैं, और आपका बेटा मेरी बहन का मोहसिन है। अगर वो ना होता तो आज सब कुछ बिखर गया होता। मेरी माँ ने मुझे सारी हकीकत बता दी है, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो दूर था अपनी बहन से, अपनी माँ से, लेकिन आपका बेटा हादी, उसने मेरी बहन को कराची में नौकरी दिलवाई, अस्पताल में उसका ख्याल रखा, अपनी जेब से खर्चा किया। मेरी माँ तो उसे अपने बेटों की तरह समझती है जी। आपका बेटा फरिश्ता है। वो भतीजा है मेरा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं आपके सामने। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझसे भूल हो गई। वो क्या है ना कि दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता है। आदि जानता है कि तुम किस वजह से मिलने के लिए आए हो? नहीं जी, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा मैं खुद आ जाता हूँ, उसका शुक्रिया अदा कर देता हूँ, उसे माफ़ी मांग लेता हूँ। ऐसे मेरी माँ ने मुझे मना किया था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। ऐसे मेरी बहन की एक शादी हो चुकी है, लेकिन उसे ख़त्म समझे। एक हरामखोर ने धोखा दे दिया था, लेकिन अब हाँ, अगर हादी को कायनात पसंद है, मेरा मतलब है इसमें कोई बुराई नहीं है, नबी की सुन्नत है जी, बाकी आप लोगों की मर्जी। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। मेरा और माँ का ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरी बहन बहुत अच्छी पोस्ट पर काम। बेटी है मेरी। अब बहन माजरत बहन, उस रोज आपको परेशानी हुई, माफी चाहता हूँ। तुम जानते हो तुम किसके घर में खड़े हो? जी जी, ये तो हादी का घर है। यह हादी का घर नहीं है, मेरा घर है। हादी का घर बाद में, अहमद का ससुराल पहले है। ये लड़की अहमद की बीवी है, वही अहमद जो कायनात का शौहर रह चुका है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालू, दफा हो जा यहां से। क्या मैं क्या धमकी किसको करा रहा है बुड्ढे? अगर मुझे पता होता कि ये सिंगड़ी का घर है तो मैं यहां थूकता भी नहीं। और तू बड़े गुरूर से कह रहा है कि उस मक्कार का तू सुसर है। अभी भी उसकी वजह से मेरी माँ की पिटाई हुई, उसकी वजह से मेरी बहन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों की लालच की वजह से। मेरी बच्ची से बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो मेरी बहन किसी की बच्ची नहीं थी? मक्कार लालची लोग। छोड़ो, हमें इस घर को मट्टी ना किया ना। अरे क्या, अहमद ने तलाक दिया तुम्हारी बहन को, हमें क्यों धमका रहे? तलाक? अभी तो बच्ची हुई है, तो तलाक कैसे हुई? मैंने उसको बहुत बार फोन किया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग जो बचे हुए हो ना, सिर्फ हादी की वजह से। वो ना होता ना तो तुम सबको भून के रख देता मैं। तुम लोगों ने मेरी बहन को बर्बाद किया है ना, तुम लोग भी नहीं बसोगे। तू तो बिल्कुल नहीं बसेगी। अरे चले निकलो। अपने मक्कार शौहर को बोल देना
कि आके मेरी बहन का फैसला करे, वरना उसका घर ढूंढकर आग लगा दूंगा उसे भी। तुम माफी मांगने आया था तुमसे, लेकिन इन शैतानों से मुलाकात हो गई, छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ चाचा? गेट आउट ऑफ माई हाउस, अभी निकलो मेरे घर से, जाओ। क्या हुआ ये सब? तुम निकल के नहीं जाते मेरी लाइफ से, जाने जाओ। बस ये हादी ने मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ जो फरेब किया है ना, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं जीना, नहीं जीना मुझे, बस मुझे मेरी बेटी को देखो यार, किस हालत में है वो, क्या क्या ख्वाब देखे थे इसके लिए। आप अपनी हालत देखें, क्या हो गया आपको? मुझे नहीं जीना। नहीं, आप संभालें खुद को, अगर इस तरह हर बात दिल पे लेंगे। कोमल, अब्बू को जवाब दो, बात करो अब्बू से। कोमल, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, उठो उधर आ से गोलियां दो मुझे। क्या क्या ख्वाब देखे? कोमल उठ जाओ। नहीं जीना। एक मिनट, आपका बीपी चेक करूं मैं। अरे भाई, इस वक्त कोई भी नहीं है मेरे साथ, हेरा ही आ जाती, कोई उसको फोन करके बुला लो। कोमल तुम ठीक हो बेटा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कोमल एक मिनट, मैं बीपी चेक कर रही हूँ। हुआ क्या था? वो कायनात का भाई फिर आया था। क्या फिर? जी अम्मी, पता नहीं चाचा को क्या कह के गया, उनकी तबीयत ही खराब हो गई। तो तुम जाके देखो ना, यहाँ क्या बैठे हो? गया था अम्मी, वो कोमल ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। हाथी, तुमने क्या किया है? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया है तुमने। अरे वो लड़का जब चाहता है दंदनाता हुआ चला आता है, ये घर है तुम्हारा। समझता हूँ अम्मी। तुम कुछ नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। अगर तुम समझते होते तो ये सब ना होता। देखती हूं मैं ही जाके, बल्कि चलो आओ, तुम भी मेरे साथ आओ। महमूदा, अली कैसे हैं? आप लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी उन्हें मारने की। अच्छा, मुझे अंदर तो आने दो, कुछ बताओ तो सही। क्या बताऊं? आप अपने बेटे से पूछें, उसका भाई अपनी बहन के लिए इसका रिश्ता लेके आता है, इसने क्या क्या गोल खिलाए। अच्छा, तुम मुझे अली की तो खबर लेने दो। पहले इसकी तो खबर लें, अपने बेटे की खबर तो लें। चाची, वो झूठ बोल रहा था। अरे झूठ तुम बोल रहे हो, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो ये सारे ड्रामे देखें। अभी अम्मी आ जाए। तेरे भेजे हुए खत सारे संभाले मैंने, फूल अब तक न किताबों से निकाले मैंने, जितने सफे थे सभी मोड़ के रखे थे यूं ही, मैंने महके हुए सफहात से धोखा। कोमल, तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, तुम्हें नहीं पता अब्बा की हालत कितनी खराब है, उनको अस्पताल लेकर जाना है। क्या हो गया तुम्हें?
कोमल, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। कोमल, मैं तुमसे कह रही हूँ। कोमल, कोमल, क्या हो गया तुम्हें कोमल? नबील, कोमल उठो। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मुझे नहीं पता इसको अचानक क्या हो गया। कोमल, कोमल, कोमल तुम ठीक तो? कोमल क्या हो गया? देखो उसको क्या हुआ है। कोमल, कोमल उठो। कोमल आप प्लीज अस्पताल लेकर जाएं, अब्बा को मैं इसके साथ ही हूँ। कोमल तुम काम करो, हादी और अरसला को नीचे बुला लो। नहीं, मैं उनको नहीं बुलाना चाहती हूँ, मैं इसके साथ हूँ, आप प्लीज जाएं। उठो कोमल। यू श्योर? हाँ सही, आप प्लीज जाएं। चलो ठीक है। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसे, क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो? बस अभी डॉक्टर से ही मिल के आ रहा हूँ, अब उनकी तबीयत बेहतर है। एंजाइना का अटैक आया था उनको। फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कह रहा था कि उनको बस स्ट्रेस ना दें। लेकिन ये अचानक सब कैसे हुआ? क्या बताऊँ बेटा, बस दुआ करो वो जल्दी से ठीक हो जाए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। कैसी बात कर रही हैं आप? अंकल ने कहीं कोमल और अहमद की परेशानी तो नहीं ले ली थी? डॉक्टर ने क्या कहा है? बस डॉक्टर कह रहा था कि किसी रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं, जैसे वो रिपोर्ट्स आएगी तो डिसीजन लेंगे कि आज जाएंगे घर या कल। मोस्ट प्रॉब्ली आज रात यहीं रुके। आप प्लीज़ बैठे ना, आप यहाँ पे बैठ जाए। अल्लाह रहम करे। मुझे बताओ तो सही कि चाचा कौन से हॉस्पिटल में है। तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया तुमने? तो वो आदमी क्या कह रहा था? तुमने तो हमारी पीठ में इस तरह से चुरा घोंपा। तुम अगर ये सब नहीं करते तो क्या हो जाता? कोमल की जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन नहीं, तुमने तो और बर्बाद कर दिया। अब देखो क्या हाल हुआ है। एक तरफ अब्बा अस्पताल में और दूसरी तरफ वो वहाँ पड़ी हुई है। देखो देखो, बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी जीत का जश्न मनाने का। देखो, तुम्हारे लिए रो रही है। हेरा, मैंने जो कुछ भी किया ना, इंसानियत के नाते किया। कोमल अभी बहुत छोटी है, उसने एक मोहब्बत तुमसे की और शादी अहमद से, लेकिन उसका सिर्फ एक हीरो था। आज वो हीरो भी मर गया, और जब हीरो मर जाता है ना तो कहानी ख़त्म हो जाती है। हो गई खत्म कहानी? मेरा अभी भी वो यही कह रही है कि ये सब हादी ने नहीं किया। हादी तो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ तो हेरा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया तुमने? क्या नहीं किया? कोमल को आग में झोंक दिया तुमने उस कायनात को बचाने के लिए। कैसी इंसानियत है ये? बड़ा आया इंसानियत दिखाने वाला। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों की लालच की वजह से। अरे मेरी बच्ची से बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहमद को छोड़ दो, इससे पहले वो तुम्हें छोड़े। अंकल मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, परेशानी की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्दी आप सेहतयाब हो जाएंगे। चाचा नबील, इसे कह दे यहाँ से चला जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। एक चला बेवफा। चाचा प्लीज आदि, आप मेरी एक बात मुझे बात करने आ रही है। अभी उनकी नहीं सुना, बाद में करना। अभी चले सर। बस इसको देखो। अब्बू
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। क्यों भाई, तुम्हारी फिक्र क्यों ना करें, इधर आओ। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। लेकिन अब्बू, अगर आपको कुछ हो जाता तो? देखो बेटा, जब तक बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है ना, माँ बाप को कुछ नहीं हो सकता। बट अब्बू, योर हार्ट इज रियली वीक। ओके फाइन, मेरा हार्ट वीक हो सकता है, लेकिन तुमने किसी स्टेज पर भी वीक नहीं होना। जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारे ससुराल वालों से ऐसी बात करोगे याद करेंगे। आई लव यू, आई लव यू मोर अबो। डोंट वरी बेटा, वी आर विद यू। शाबाश, स्माइल। माजद के साथ माजी, लेकिन अगर इसकी तरबियत आपने सही की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आई हूं मैं, गुंडा मवाली नहीं हूं। मेरे चचा ना बिस्तर पर है और कोमल। ओ लूमड़ी, अपनी जबान संभाल के बात करो। हाथ मेरे भी है। तुम शुक्र करो तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई मैंने, सिर्फ आपकी वजह से। माजी, मैं जाकर उनसे बात करूंगी बेटा। नहीं नहीं, आप इस सबसे दूर हैं, पता नहीं क्या क्या बोल के आ गया वहां पर ये। मुझे मालूम होता तो उस घर पर थूकता भी नहीं। मुझे तुम एक बात बताओ, कौन सा भाई अपनी बहन को इस तरह बदनाम करता है, बताओ। कॉलीग हूं मैं इसका। कुछ रिश्ते ना इज्जत के भी होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता होगा। अच्छा, अगर इतना ही ख्याल है तो फिर जाकर कहो उस अहमद को कि आकर तस्फिया करे। माँ जी, आप इसको संभाल लीजिए, ट्रबल में है ये, पता नहीं क्या क्या बोल आया वहां पर जाकर, इसे पता भी नहीं है ये क्या कर रहा है अपने साथ। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया।